सलोचना भी माँ की करती थी भक्ति, रोती थी सुबह शाम, कोई औलाद नहीं थी उसकी। दुनिया के तानों से सलोचना गई थी हार, माँ वैष्णो के कन्या पूजन का मन में किया विचार। सुनिए कैसे उनकी विनती सुनती शुरू वाली माता, अपने भक्तों के कष्ट वो वैष्णो माता। अपने ज्ञान का उसने था बड़ा अहंकार, चाहता था उसकी पूजा करे सारा संसार। श्रीधर और पत्नी लागी कन्या पूजन करन, भैरव ने अपनी शक्ति से डाल दिया विघ्न। कन्या बेहोश सारी, श्रीधर कहे लाज बचाओ माता, अपने भक्तों के कष्ट है हरती वो वैष्णो माता। श्रीधर के घर आई, सब कन्याओं को होश मिला, श्रीधर की लाज बचाई। अपनी सारी बहनों को माता ने दी आवाज, कन्या रूप में ही श्रीधर का पूरा किया फिर काज। पूरे गांव के भंडारे का श्रीधर को दिया आदेश, आएगी भंडारे में खुद चली गई देकर संदेश। संपूर्ण भंडारा कैसे करवाएगी अब माता, अपने भक्तों के कष्ट है हरती वो वैष्णो माता। वैष्णो का भंडारा शोर हुआ था चारों ओर, कौन है वैष्णो रानी भैरव नाथ जानना था चाहता, अपने भक्तों के कष्ट है हरती वो वैष्णो माता। He's a
सवेरा पूरा गांव चला था आया। भैरवनाथ ने भी चेलो संग आकर अलख जगाया। रोए श्रीधर सलोचना कोई नहीं हुई तैयारी। उस कन्या को भेजो माता आलाज बचाओ हमारी। वो कन्या प्रकट हुई फिर वहाँ हो गया चमत्कार। झटपट उस कन्या ने सारा भोजन कर दिया तैयार। वहाँ भैरव मांगे मांस मदिरा प्रसाद को ठुकराता। अपने भक्तों के कष्ट है हरती वो वैष्णो माता। चने का ही भोग माता के मन भाया। मांस मदिरा नहीं मिलेगी बात समझ तुम जाओ। यही मिलेगा भोजन भैरव खाना है तो खाओ। कौन है दिव्य कन्या भैरव नाथ समझ नहीं पाया। उसने गुस्से में कन्या का फिर हाथ पकड़ना चाहा। आसमान में चली गई माँ भैरव पीछे जाता। अपने भक्तों के कष्ट है हरती वो वैष्णो माता। श्रीधर घर छोड़ के चरण निशान। श्रीधर रोए पूरा गांव कहे श्रीधर की भक्ति महान। वहाँ माता वैष्णो रानी चली पहाड़ों की ओर। भैरवनाथ पीछे पीछे कन्या रुक कर रहा था शोर। 9 महीने के लिए माता चली गई गुफा में। हनुमत को पहरे पर बिठा बैठ गई ध्यान में। भैरवनाथ 9 महीने तक घूमता ही रह जाता। अपने भक्तों के कष्ट है हरती वो वैष्णो माता। ध्यान लगाया ध्यान लगा अपनी माया से माँ का पता लगाया। पता लगा भैरव पहुँचा फिर गुफा के बाहर। वहाँ पहरे पर बैठे थे अंजनी पवन कुमार। रोका हनुमत ने मगर भैरवनाथ न माना। उसने हनुमत जी के साथ युद्ध था कर डाला। युद्ध देख कर दोनों का फिर बाहर आई थी माता। अपने भक्तों के कष्ट है हरती वो वैष्णो माता। का माता ने कर संहार दिया। भैरवनाथ का धड़ पर्वत पे मामा कर चिल्लाए। क्षमा करो हे अम्बे मुझे मामा कह के बुलाए। विनती सुनकर भैरव की हुई थी माँ।
आसन। भैरवनाथ को माता ने दे दिए फिर दर्शन। रोए भैरव मामा कह के क्षमा करो हे माता, अपने भक्तों के कष्ट है हरती वो वैष्णो माता। थे भैरव माता ने समझाया, मगर तुम्हें अपने ज्ञान का था अहंकार आया। भैरव कहे माँ माफ करो, दे दो क्षमा का दान, कुछ करो ऐसा ममता मई लोग करे ना अपमान। किया माफ ममता मई ने माता बड़ी महान। अपने दर्शन के बाद भैरव दर्शन का दिया वरदान। वैष्णो दर्शन के बाद भैरव दर्शन किया जाता, अपने भक्तों के कष्ट है हरती वो वैष्णो माता। वर भैरव को माँ हो गई यंत्र ध्यान। वहाँ श्रीधर ने खाना पीना छोड़ा, संकट में हुए प्राण। सलोचना उसकी पत्नी माता की करे पुकार। श्रीधर हुआ बेहोश करके माँ का इंतजार। श्रीधर का हाल देख कर सलोचना हुई बेहाल। रो रो कहे हे माता भक्तों को लो संभाल। दर्शन देती फिर श्रीधर को जम्मू वाली माता, अपने भक्तों के कष्ट है हरती वो वैष्णो माता। दोनों को थी उनसे बड़ी पसंद। श्रीधर ने था नाम किया माता को अपना तन मन। श्रीधर को वर दे दिया उसका वंश करेगा पूजन। माँ वैष्णो रानी ने उनको दे दी खुशियाँ पार। अंतर ध्यान हो गई माता करके बड़े उपकार। जो सच्चे मन से पूजे उसका हर दुखड़ा मिट जाता, अपने भक्तों के कष्ट है हरती वो वैष्णो माता।